उसको मैं बताता हूँ। तेरा नाम क्या है? सन्नी सिंह गहलोत। मैम आपने रजिस्टर नहीं भरना चाहिए था, सास की संपत्ति है, आपको भरना नहीं चाहिए। आपने पूरा रजिस्टर भर दिया मेरे सामने ही। मैम दादा की बात, मैम फटा फटाया था, यहाँ पे रोक रखने की जगह नहीं। आज जितना था उसको भी आपने उसको हाथ से फाड़ दिया, ये कौन सी बात होती है मैम? तो मैम टपक रहे हैं उसको, फिर भी हमने जोर से रखा था, आपने उसको अपने हाथ से। मैम मैं बताऊंगा डीजी साहब को कि इन्होंने रजिस्टर हाथ से फाड़ा है। बिल्कुल बताऊंगा मैम, आपने सास के रिकॉर्ड को नष्ट किया है मैम। मैम मेरे ड्यूटी पे ये पॉइंट है, यहाँ से लेके वहां तक था, मेरे पॉइंट में कुछ भी नहीं हुआ है। मैडम यहाँ से नहीं बिका, आप चेक कर लीजिए। आपने मैम रजिस्टर फाड़ा है, उसका मैंने विरोध किया, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया मैम। मैम तो उसको आपने और फाड़ा है। मैम माफ कर दीजिए सस्पेंड, लेकिन ये गलत है, आपने रजिस्टर फाड़ा है और मैं इस चीज का विरोध करूंगा। आप मैडम अधिकारी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत करेंगे। मैम आप अधिकारी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत बोलेंगे और मैं उसका सुन लूंगा। नहीं मैम ये बर्दाश्त नहीं मैम, ये आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ और मैं सहन नहीं करूंगा। मैडम मैं कोई दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ, आपने रजिस्टर फाड़ दिया मेरे सामने, बिल्कुल फाड़ा है आपने, आपने लिया रजिस्टर फाड़ दिया। मैम आवाज कम नहीं करूंगा, आपने गलत किया, इसका मैं विरोध करता हूँ और मैं अभी आपके सीनियर अधिकारी को फोन लगा रहा हूँ कि मैम इन्होंने मेरे सामने रजिस्टर फाड़ा है। मैडम दो कोड़ी का आप मत बोलिए मुझे, मैं सिपाही हूँ, आपको कोई अधिकार नहीं मुझको दो कोड़ी का बोलने का। आप अधिकारी है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझको दो कोड़ी का बोलेंगे। मैडम तो ये दो कोड़ी का कैसे बोल रहे हैं मेरे को, वर्दी पहन रखी मैंने। मैम आप बिल्कुल बता दीजिए, मैं भी बताऊंगा कि आपने रजिस्टर फाड़ा है, अगर बरसात में रजिस्टर गीला हो गया इसका अर्थात ये मतलब नहीं होता कि आप उसको फाड़ देंगे रजिस्टर को। मैम अगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, आप भी जानते हैं हम लोग यहाँ पानी में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, रजिस्टर है तो वो गीला होगा। आपने दी मैडम विभाग से हमको पन्नी मिली है क्या यहाँ से? मैम पन्नी लाने में 100 रुपए, आपने रजिस्टर नहीं फाड़ना चाहिए था, आपको ये अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है कि आप रजिस्टर फाड़े। मैम बस मेरा यही है कि आपने रजिस्टर फाड़ा। मैडम आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए मेरा, अगर कभी निकल जाए तो मैं यही अभी वर्दी उतार दूंगा, अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ मैं, मगर मैंने आज तक कभी किया, मैंने तो उल्टा अंदर अफीम पकड़ी है जिसके चलते आपने मेरे को यहाँ ड्यूटी पे लगा दिया। आप अधिकारी, इसका ये अर्थात नहीं है कि आप बिल्कुल आप मैम आप तानाशाही नहीं हो सकते। बिल्कुल फाड़ा मैम आपने, बिल्कुल फाड़ा मेरे सामने फाड़ा है। मैम मैंने तो नहीं फेंकी है और मेरे पास अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज का कि मैंने आज तक तम्बाकू फेंकी है। मैम बिल्कुल नहीं है मैम, मैंने आज तक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है और मैं मैम मेरी ड्यूटी में फिका उस तरफ से फिक सकता है और मैं सही हूँ, इसलिए आपका विरोध कर रहा हूँ आपके सामने। मैम मैम आप प्रकाश विजय से पूछे, प्रकाश विजय ने मेरे को सख्त निर्देश, आपने खुद ने निर्देश दिया है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक। जी मैम मैम आपने निर्देशित किया था, पिछली बार रजिस्टर में रिपोर्ट डाली थी, मैं लास्ट टाइम वहाँ पे मिला था, आपने रिपोर्ट लिख दी थी कि प्रहरी अपने कर्तव्य पर नहीं पाएगा, यहाँ से लेके ये पॉइंट है मेरा, मैं अपने इसी कर्तव्य पर रहता हूँ। मैम तो आपको किसने अधिकार दिया मैडम रजिस्टर फाड़ने का, और आप मेरे ऊपर रजिस्टर फाड़ के देख रहे हो, और दो कोड़ी का आदमी आपने किस हिसाब से? मैडम आपने फाड़ा रजिस्टर मेरे सामने, फाड़ा रजिस्टर शासकीय संपत्ति को आपने ठेस पहुंचाइए, और आप मैडम आपने मुझे दो कोड़ी का कैसे बोला आपने ये बताइए आप। मैडम यही आपके सामने मिला हूँ ड्यूटी पर, ड्यूटी पर नहीं था, तू बैठा था कुर्सी पर, कोई घूमता नहीं मिला।
आप कौन है? आप कौन है? आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप कौन है? भैया बड़े हैं ठीक है, लेकिन आप नियमों का वो नहीं कर सकते आप? तो मौसी है तो कोई शास्त्री थोड़ी नहीं है कि आप वो मेरे को मेरे से पूछने वाले वो जवाब पता नहीं होते है ना। जी मैम बुला लीजिए। डाउनलोड करें।